जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर। समृद्धि टाउनशिप पूर्णतः वेद विकसित सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। गाँव की रहने वाली हूँ मैं, और ये तो मेरा पति अफजल है, खानसाली बाग दरगाह के पीछे रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैंगे और बच्चों को लेके रह रही। मेरा पति तीनों के ऊपर से घर के अंदर कूदा, और कूदने के बाद मेरे बच्चे के ऊपर मेरे ऊपर दराती रख दी और जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो मेरी लड़की ने, 8 साल की लड़की ने दराती छुड़ाई और जान बचाई हमारी, 2 माँ बेटों की, और वो आदमी ये था रकम लेके घर के अंदर से चला गया। किचन के उसकी लाइट बंद करके और रकम निकाल के लेके चला गया। बाहर से दरवाजे लगाया तो पड़ोसी ने मेरा दरवाजा खोला। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैंगे, तो बहुत ज्यादा समस्या में जहाँ जा रही, मोगट थाने में जा रही, मोगट थाने में भी नहीं मेरी कार सुनवाई हो रही है। और वो पुलिस वाले 100 नंबर है तो क्या थी, उनको घर बैठे जाके छोड़ के आए ना। हमें तो 2 माँ बेटे रात के 12 बजे घर पर गए नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा हमारा, उनको छोड़ के उनकी पूरी वो कर रहे नहीं, पूरी हेल्प कर रहे नहीं। हम मैं बहुत परेशान हूँ मेरे 2 बच्चों को लेकर, मुझे हर चीज में परेशानी आ रही है, बताओ मैं क्या करूँ। ये मेरे सास ससुर सब ये लोग इसके साथ में हैंगे, सब इसका साथ दे रहे हैं और इसका सब पूरा सहयोग कर रहे हैं कि तू तेरी पति तेरे घर जाओ और ऐसी कैसी चीज रकम बाहर निकाल के लेके आ। मेरे सब पूरा ससुराल वालों ने बोला है और मेरे ससुराल वाले इसका साथ दे रहे हैं, तो ये मेरे पति ने काम कराए नहीं, और बोल रहे हैं मेरी सास ऐसी बोल रही है कि जा इसको जो करते बने जो करना इसको कर लेना, सब कुछ नहीं कोई भी नहीं कर पाएगा बोले हमारा, बोले कि हम मैं मेरी रकम चाहती हूँ, मेरी रकम जैसे घर से लेके गए ले उसे मेरी रकम लाके दे दे। रकम मेरी 2 लाख की, मेरी मम्मी के यहाँ से दहेज में मेरी रकम दी थी, और मेरे घर मैंने खुद धार की मजदूरी में रकम बनाई हुई है। मेरे बच्चों के लिए मैंने बहुत मुसीबत कर करके रकम भाव बनाई होंगी, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बच्चों का भविष्य के बारे में मैंने सोचा, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा पति रकम ले जाएगा मेरे सास ससुरों को दे देगा। मेरी जिंदगी इसने बहुत खराब कर चुकी है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब नहीं मेरी कोई सुनवाई करेगा तो मेरे 2 बच्चों को जहर दे दूंगी और मैं खुद भी खा लूंगी। बस अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। थाने में जाती, जन सुनवाई में जाती, सब दूर जा चुकी, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं मेरा साथ दे आएगा। आप मैंने कलेक्टर साहब पास में आई हूँ और यहाँ पर बोला है, यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है। नहीं, एसपी ऑफिस में गई थी मैं, साहब ने बोले कि हम माफ कर देंगे ऐसा बोला है, मगर सब दूर में दौड़ चुकी, सब दूर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी, मुझे हर चीज से परेशानी आ रही है, और मेरे बच्चे यहाँ तक कि मुझे खाने पीने तक से तकलीफ है, मगर मेरे जो रकम भाव लेके जैसे जाए वैसे मेरे रकम भाव मुझे वापसी लौटा दे। वो घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का, रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना, जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।